खैर जाके हलीमा के साथ किचन का काम कराओ, आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। सारों के सारों ने मुझे नौकर बना के रखा है, घर का काम देखूं, छोटा सा बच्चा उसको संभालूं, क्या क्या करूं मैं। एक तो ये बुड्ढा है, जान नहीं छोड़ता। कल आप दोपहर में अपने कॉलेज के बाद मुझसे मिलने आएंगी? नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मैं ना मिली तो वो घर पे बार बार फोन करेगा। अगर अब्बी या रेहान भाई ने फोन उठा लिया फिर सिर्फ आज इससे 5 मिनट के लिए मिल लेती हूँ, उसको समझाऊंगी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे फिर कभी फोन ना करे। आज के बाद फिर इससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। थैंक गॉड तुम आ गई, यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई हूँ, उससे ज्यादा नहीं। हम जा कहाँ रहे हैं? अब जब आई गई हो तो मुझ पर भरोसा तो रखो। अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कोई नहीं देखेगा यार, एक तो तुम ना बहुत डरपोक हो, कोई चोरी किया क्या तुमने? ज़ोबिया जो टाइम है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अगर तुमने टाइम एंजॉय नहीं किया तो सारी जिंदगी ना तुम्हें रिग्रेट आएगा। मेरे घर का माहौल बहुत सख्त है, मैं आज तक अपने घर से अकेले कभी भी बाहर नहीं निकली। अगर मेरे अब्बी और भाई ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो शूट कर देंगे। और अगर मैं तुम्हारे घर आऊँ अपने पेरेंट्स को लेके तुम्हारा रिश्ता मांगने, तब भी शूट कर देंगे? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जब से मैंने तुम्हें अनारकली बने देखा है मेरे दिल और दिमाग से तुम निकल ही नहीं पा रही। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी बंक करके तुम्हारे कॉलेज के आसपास मंडराता रहता हूँ।